Götzen Hosmeo! 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 Bitte mit Götzen Hosmeo! Hosmeon में! Erichtig in Iran में! Kulpati Mote आना पड़ेगा! आना पड़ेगा! आना पड़ेगा! अरे Kulpati Mote हाय हाय! हाय 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 हाय! उसमें भी इन लोगों ने मुझे फीस स्लिप तक नहीं दी अभी सर भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता मुझे कैसे पता चलेगा मेरा एडमिशन की जो बीएड फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कराई गई जाँच तो उसकी सार्वजनिक की जाए और जो भी उसकी होती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा छलीसर परिसर में वहाँ पर एडमिशन ले लिए जाते हैं कि यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है ये मिलता है लेकिन को सुविधाएँ भाई क्या मामला है। हम लोग यहाँ कुलपति महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे। हम लोगों का एक शांतिपूर्ण तरीके से 4 सूत्री जो हम लोगों का ज्ञापन था वो ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे लेकिन कुलपति महोदय अंदर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि सामने गेट पर ताला डाल दिया गया है तो हम लोग 1 घंटे से यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। क्या मांगे थी आपकी? हम लोगों की मांगे हैं कि जो अभी 2012-13 कि जो बीएड का जो घोटाला हुआ है उनकी जो अभी रिपोर्ट गुपचुप तरीके से रख ली गई है उसको सार्वजनिक किया जाए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हम लोगों की छलीसर परिसर में डी फार्मा फार्मेसी का कोर्स चलता है वहाँ पर अभी नए सत्र में छात्रों से प्रवेश ले लिए जाते हैं कि यहाँ पर स्कॉलर आता है ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं तो लेकिन अभी आप वहाँ तक देखें जाके कि छलेसर परिसर में अभी तक ना तो लैब है ना तो वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलाई जा रही हैं। ऐसी सभी समस्याओं को लेके जो मूलभूत छात्रों की आवश्यकता होती हैं वो साफ सफाई शौचालय ऐसी सभी समस्याओं को लेके आज हम लोग यहाँ कुलपति महोदय से ज्ञापन लेने के लिए आए हुए हैं। पहले परिचय बता दीजिए। परिचय में मैं छलेसर कैंपस अध्यक्ष करणपाल सिंह। क्या मांग है क्या समस्या है? हमारी मांग ये है जो यहाँ पे छलेसर कैंपस में जो फार्मेसी विभाग है उसमें जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनसे मतलब छात्रवृत्ति के नाम पे एडमिशन ले लिए गए और बाद में उनसे मना कर दिया गया कि छात्रवृत्ति नहीं आएगी और उनकी फीस बहुत सी सुविधाएं क्या आपकी ग्राउंड की मतलब खेल कूद और टूर वगैरह के नाम पे सारी मतलब फीसें बढ़ाई गई है 15,000 रुपये फीस बढ़ाई गई है और कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है ना तो क्लास प्रॉपर चल रही है और ना ही अभी कोई लैब का वो आए थे क्या मांग कर रहे हैं हम हाँ अभी तो मिलने नहीं दिया है हम यहाँ पे अगर विद्यार्थी पर अगर ऐसा नहीं मतलब अगर मिलने नहीं देते विद्यार्थी परिषद आगे बहुत बड़ा मतलब आंदोलन करेगी।